नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के सदर बाजार में, जहां पर आप देख सकते हैं कि नगर निगम के अधिकारी आज एक्शन मोड में एक बार फिर से नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिन दुकानों ने पिछले कई सालों से दुकानों का रेंट नगर निगम में नहीं दिया था, उन दुकानों को सील करने के लिए नगर निगम के अधिकारी आज आप देख सकते हैं मौके पर पहुंचे हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ताला लगाया जा रहा है सीधे तौर पर उन दुकानों के बाहर, उन दुकानों को सील आज किया जा रहा है जिन दुकानदारों ने पिछले कई समय से नगर निगम में अपना रेंट नहीं चुकाया है। वहीं मैं आपको एक बड़ी जानकारी ये देना चाहूँगी कि ना सिर्फ करनाल के सदर बाजार इलाके में, बल्कि करनाल के पूरे शहर की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जो इस लिस्ट में जिनका नाम शुमार है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 80 लाख के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली जो अंदाज़ा बताया जा रहा है कि 80 लाख के आसपास ऐसा रेंट है जो नगर निगम में इन तमाम दुकानदारों ने अब तक नहीं दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुँचे हैं और वो लिस्ट उनके हाथों में, आप लिस्ट भी देख पा रहे होंगे, उन तमाम दुकानों की, दुकानदारों के नाम समेत वो लिस्ट है। किन किन दुकानों को आज सील किया जाएगा वो देखने वाली बात है। लेकिन शुरुआत जो नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं वो करनाल के सदर बाजार इलाके से है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। और अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बार फिर से नगर निगम एक्शन मोड में आता हुआ आज दिखाई दे रहा है और आसपास के जितने भी दुकानदार हैं उनसे भी यहाँ पर बातचीत की जा रही है और पता किया जा रहा है। सर, क्या कुछ कार्रवाई करने के लिए पहुँचे हैं आज? तो चलिए एक बार तमाम जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे, ईओ साहब भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं। और ये देखिए, सबसे पहले एक दुकान को सील यहाँ पर किया गया है। ईओ साहब हैं मौके पर पहुँचे हुए हैं, उनके अलावा भी अन्य जो अधिकारी हैं नगर निगम के वो भी मौके पर पहुँच चुके हैं। और ये देखिए, जिस इलाके की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, करनाल के सदर बाजार इलाके से तस्वीरें देख रहे हैं, सबसे पहले एक दुकान को सील किया जाता है और उसके बाद अब नगर निगम के जो अधिकारी हैं, ईओ हैं देवेंद्र नरवाल, वो मौके पर पहुँचे हुए हैं। उनके अलावा अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुँचे हुए हैं। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दुकान के बाद दूसरी दुकान को सील किया गया है। हालांकि जो दोनों दुकानें सील की गई हैं वो पहले से यहाँ पर बंद पड़ी हुई थी, वो खुली नहीं थी, यहाँ पर दुकानदार मौजूद नहीं थे और उन दोनों बंद दुकानों को यहाँ पर सील किया गया है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जितने भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करते रहें। तो ये आप देख सकते हैं कि तीसरी दुकान को सील किया जा रहा है, जिस दुकान के आगे किसी और दुकानदार ने अलमारी रखी हुई थी और उन अलमारियों को हटाकर यहाँ पर उस दुकान पर भी ताला लगाया जा रहा है। सीधे तौर पर एक बड़ी कार्रवाई ज़रूर है, क्योंकि नगर निगम हर बार एक्शन मोड में दिखाई देता है। ख़ास तौर पर सीएम सिटी करनाल की बात की जाए, उन दुकानदारों के लिए सीधे तौर पर एक मैसेज है, एक संदेश है कि जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से अपनी दुकान का किराया नगर निगम में नहीं दिया था, वो अपना किराया जल्द से जल्द दे दे, वरना जो वर्किंग दुकानें भी हैं उनको भी इसी तरीके से आज सील किया जाएगा, उनको भी सील किया जाएगा। और ये तमाम जो दुकानें हैं ये नगर निगम की हैं और इन दुकानदारों ने नगर निगम को इन दुकानों का रेंट नहीं चुकाया है पिछले लंबे समय से। ये सीधे तौर पर एक बड़ी कार्रवाई करनाल के नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। तो नगर निगम से ईओ साहब हैं देवेंद्र नरवाल, उनसे एक बार जानकारी लेंगे। सर, क्या कुछ कार्रवाई करने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे? जी, आज नगर निगम के द्वारा जो रेंटेड शॉप्स हैं नगर निगम, तो कुछ ऐसे किराएदार हैं जिन्होंने लंबे समय से अपना किराया नहीं भरा, तो आज लगभग 35 दुकानें ऐसी हमने शेड्यूल करी थी कि जिनको सील किया जाना है। बार बार उनको नोटिस दिए गए, ऑफिस में बुला के उनको बोला गया है कि अपना किराया भरें, तो वो किराया भरने की स्थिति, अपना मजबूरी किसी तरह की दिखाते हैं और बहानेबाजी करके किराया नहीं दिया जा रहा है। तो आज ऐसे लोगों को हमने चिन्हित करके वो सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। सर, टोटल कितना किराया और करनाल में कौन कौन से इलाकों में ये दुकानें? पूरे शहर के अलग अलग इलाके हैं, जैसे मेरठ रोड की हैं, करनताल की हैं, प्रेमनगर रामनगर की हैं, मेरठ रोड की हैं और कमोपुरा रोड की हैं, काफ़ी ऐसी दुकानें हैं, लगभग 35 दुकानें ऐसी हैं। और टोटल अमाउंट आज तक का जो हमने कैलकुलेट किया
लगभग 85 लाख का ऐसा अमाउंट है जो हमारा पेंडिंग है। कितने दुकानदार हैं सर टोटल जिनको लिस्टेड किया गया है? 35 दुकान है जो आज की हमारी लिस्टिंग में है। 35 ऐसी दुकान है। दुकानों को सील किया जाएगा? सभी को सील करेंगे। तो मेरी दुकानदारों से अपील है कि गवर्नमेंट का पैसा है जो कि गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करती है और फैसिलिटीज में यूज़ करती है, तो इसको समय पर भरें। अगर हम प्राइवेट भी किसी की दुकान हम लेते हैं तो हम एक महीने से ज़्यादा अगर किराया ना भरें तो हमें दुकान के बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसे ही किराएदार आप गवर्नमेंट के भी समय से नहीं भरा, ये किसी का 2 साल से पेंडिंग है, किसी का 5-5 साल तक के पेंडिंग, ऐसे किराएदार हैं जिन्होंने अभी तक किराया। सदर बाजार इलाके की मैं बात करूँ, यहाँ पर बहुत सारे दुकानदारों ने अतिक्रमण किया हुआ है, अपनी दुकान से बाहर तक काफ़ी जगह तक सामान रखा हुआ है, जिसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट भी यहाँ पर हो जाते हैं। इन दुकानदारों के लिए भी क्या कभी कार्रवाई की जाएगी? दुकानदारों अतिक्रमण के लिए टाइम टू टाइम नगर निगम के द्वारा भी पुलिस प्रशासन को साथ लेके कार्रवाई की जाती है। और पिछली बार भी जैसे हमेशा हम यही बोलते हैं कि ये जो ऐसी कार्रवाई है जो कि खुद भी लोगों को समझनी चाहिए, इनके लिए पहले हमने मार्किंग भी करी थी कि इससे ज़्यादा अपना सामान ना लगाएं। तो बार बार जैसी कार्रवाई करके नगर निगम की टीम या पुलिस की टीम निकलती है तो दुकानदार फिर आगे सामान अपना रख लेते हैं। तो शहर के प्रति इनकी भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि इनका ही यहाँ पे व्यापार और धंधा जो खराब हो रहा है, तो इस प्रकार के इंक्रोचमेंट्स ना करें। और फिर भी अगर ये लोग ना मानते हैं तो फिर नगर निगम द्वारा चलान किया जाए। तो 35 दुकानों को आज शॉर्टलिस्ट किया गया है जो कि करनाल के अलग अलग इलाकों में है, और आज उन तमाम दुकानों को यानी कि 35 दुकानों को सील किया जाएगा। नगर निगम आज फिर से एक बार एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने 2 सालों से 3 सालों से कई सालों से अपना रेंट नहीं चुकाया, और जिस तरीके से ऐसे साहब ने कहा, देवेंद्र नरवाल जी ने कहा कि अगर आप प्राइवेट भी कभी दुकान रेंट पर लेते हैं तो वहां पर भी आपको रेंट चुकाना पड़ता है, तो आपको सरकारी रेंट जरूर चुकाना चाहिए, क्योंकि नगर निगम की यही आय है और इससे नगर निगम को काफी ज्यादा लॉस होता है। 85 लाख के आसपास ये पूरा का पूरा रेंट है जो दुकानदारों ने नहीं चुकाया, और इसी को लेकर आज नगर निगम एक्शन मोड में आता हुआ दिखाई दिया। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। और ये आप देख सकते हैं नगर निगम के अधिकारी अब और भी इलाकों में जाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। और वो तमाम दुकानदार जिन्होंने काफी लंबे समय से अपने रेंट नहीं चुकाए थे वो अब सावधान हो जाएं, क्योंकि नगर निगम अब एक्शन मोड में आ चुका है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं आई बैन 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।